हे गाइस हाय गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो एंड गाइस यू ऑलरेडी नो सुबह सुबह हम कोई टॉपिक को थोड़ा आसान से समझने का कर कोशिश करते हैं टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड जेनेटिक टर्म्स इन अ वेरी इजी मैनर ये अच्छी बात है ना ये बुक थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है राइट एनी जस्ट बिकॉज दिस इज ग्रीन ओके सो डोंट वरी आई हैव अदर थिंग्स टू शो एज वेल

याद रखना सुबह हमारा हमेशा लाइव वीडियो नहीं रिकॉर्डेड होता है रात को लाइव और स्पेशल क्लासेस तीन बजे ठीक है ट्रैकर से आपको सारे सेशंस जो है लिंक मिल, के साथ मिल जाते हैं और ये मेरा टेलीग्राम है जिससे यू कैन रीच मी ट्रैकर्स कुछ ऐसा दिखता है जहां पे यू कैन सी यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आर लुकिंग फॉर जैसे कि ये जो सेशन है ये आपको एन या एन में मिल जाएगा ठीक है अगर आईबीओ का क्वेश्चन होता है तो वो आपको यहां मिलेगा एनसीआरटी एक्सप्लेनर सेशन होता है तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है तो बायोपीज में ड्रॉ डायग्राम्स में आप डायग्राम के सेशंस ढूंढ सकते हैं ठीक है सो गाइस लेट अस स्टार्ट राइट व्हाट आर वी वेटिंग फॉर नाउ लेट मी जस्ट चेंज थिंग्स अलिटल बिट ओके ठीक है लेट मी थोड़ा सा कम टू देंटर ऑफ द स्क्रीन है ना राइट सो लेट्स गेट स्टार्ट सो आप सभी के घरों में देर मस्ट बी कुछ तो हालांकि ये रेसिपी बुक नहीं है दिस इज हिंदी बुक जो आप आईसीएससी में पढ़ते हो इट्स कॉल्ड साहित्य सागर ठीक है आई एम जस्ट इंटरेस्ट इन लिटरेचर सो यू रीड बुक्स राइट इमेजिन करो कि ये बुक मान लो कि ये हिंदी की बुक नहीं है आप ये समझना कि ये बुक जो है आपकी एक कुकबुक है और इस कुक बुक में क्या है इस कुक बुक में मान लेना कि साउथ इंडियन रेसिपीज हैं सो व्हाट इज देयर इन द कुक बुक यू हैव साउथ इंडियन रेसिपीज ठीक है so सो लेटस ओपन द बुक एंड इमेजिन अ फ्यू रेसिपीज किताब को खोलते हैं और कुछ रेसिपीज इमेजिन करते हैं सो so, अगर आप इसके कॉन्टेंट्स में जाएंगे मैं कॉन्टेंट्स आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि इसमें एक्चुअली कहानियों के नाम लिखे हैं बट थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लो कि आपका कॉन्टेंट्स में फर्स्ट से लेके फिफ्थ पेज तक पालक पनीर बनाने का तरीका लिखा हुआ है ठीक है और सिक्स से लेकर एट्थ पेज तक आपका दम आलू बनाने का तरीका लिखा हुआ है नाइन से लेकर नाइनटीन पेज तक चिकन uh, बनाने का तरीका लिखा हुआ है सो वॉट आर दीज दीज आर ऑल रेसिपीज राइट ऑल दीज आर साउथ इंडियन रेसिपीज इमेजिन करना ये सब इमेजिन करना ऑल दीज आर साउथ इंडियन रेसिपीज टू मेक समथिंग सो दिस बुक इज अ क्रोमोजोम ये बुक क्या है एक क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम पे रेसिपीज हैं राइट रेसिपीज क्या होती हैं बेटा इंस्ट्रक्शंस होती है ना बनाने का तरीका होता है सो सिमिलरली दिस इज अ क्रोमोजोम राइट तो ये साउथ इंडियन रेसिपी की जो बुक मैंने आपको बताया ये बुक एक क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम में जो रेसिपीज हम दिखा रहे हैं दीज रेसिपीज आर जीन्स दीज रेसिपीज आर जीन्स बट मुझे एक बात बताओ क्या पालक पनीर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है नहीं बिल्कुल नहीं कोई और तरीका भी तो हो सकता है तो मान लो मान लो आई हैव अनदर अदर कुक बुक और इसको कहते हैं गुजराती कुक बुक राइट सो गुजराती कुकबुक है ये और गुजराती कुकबुक में भी फर्स्ट टू फाइव पेजेस में पालक पनीर बनाने का ही तरीका है बट इन अ डिफरेंट वे अब जाहिर सी बात है अगर आप गुजरात का पालक पनीर खाओगे और तमिलनाडु का खाओगे वुड बी अ स्लाइट डिफरेंस बदलाव तो आएगा सो दे आर टू डिफरेंट रेसिपीज ऑफ द सेम डिश एंड क्योंकि रेसिपी डिफरेंट है तो स्वाद भी डिफरेंट होगा सो साउथ इंडियन पालक पनीर बनाने का तरीका और गुजराती पालक पनीर बनाने का तरीका दे आर अस ऑफ द जीन अलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म बोले तो दो अलग-अलग रेसिपीज अब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्यों बिकॉज़ यू हैव वन सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मॉम गिविंग और हैविंग द रेसिपी फॉर ऑल द कैरेक्टर्सिस्टिक्स दैट आर इनसाइड यू आपको 23 किताबों का सेट मिला है मॉम से जो आपके शरीर के अंदर हर एक कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन रखती है और ऐसे ही तेईस क्रोमोजोम्स ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स मिला है पापा से सो योर योर क्रोमोजोम्स आर नथिंग बट रेसिपी बुक्स अब जीन को थोड़ा बेहतर समझने के लिए आप समझो ये पन्नों को जस्ट इमेजिन दे आर डीएनए इन पन्नों को आप कह सकते हो दे आर डी एन ए बट फर्स्ट टू फाइव में चीजों को ऐसा लिखा गया है दैट दे गिव मी द इंफॉर्मेशन फॉर पालक पनीर अगर फर्स्ट टू फाइव में पेजेस में से मैंने बस फर्स्ट टू फोर पेजेस लिया क्या मैं पालक पनीर बना पाऊंगा नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल राइट सो गाइज जीन इज अट ऑफ इनहेरिटेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप पूरी रेसिपी उठाओगे तभी आप डिश खाना बना पाओगे और आपका जो ये डिश है राइट right? आपका जो ये डिश है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक राइट सो आप रेसिपी को नहीं खाते हो रेसिपी तो बस इंस्ट्रक्शन है आप पालक पनीर को खाते हो सो पालक पनीर राइट ही कैरेक्टर एंड जैसे कि जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं साउथ इंडियन पालक पनीर बनाने का तरीका और गुजराती पालक पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही साउथ इंडियन पालक पनीर एंड गुजराती पालक पनीर आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पालक पनीर एंड हेंस दे आर कॉल्ड ट्रेड राइट दे आर कॉल्ड ट्रेड्स ओके okay. अब क्या आप साउथ इंडियन और गुजराती पालक पनीर को देखकर उनके स्टेप्स को समझ सकते हो आई I मीन mean, अगर मैं आपके सामने दो प्लेटें रख दू एक प्लेट में साउथ इंडियन पालक पनीर और एक प्लेट में गुजराती पालक पनीर होगा और मैंने आपको पूछा कि बताओ क्या डिफरेंस है इसमें इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस होगा तो आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है आप तो मुझे फाइनल डिश दिखा रहे हो फाइनल डिश देखकर मुझे क्या पता कि अंदर डिश में कैसा था हाउ डू आई नो दैट ठीक उसी तरह कैरेक्टर्स और उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ट्रेट्स को देखकर आप इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंस को नहीं समझ सकते अगर मेरे पास रेड आइज है और किसी के पास रेड आइज नहीं होता सॉरी ब्लैक आईज है किसी के पास ब्लू आईज है तो बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट अलील्स बट अलील्स को आप नहीं देख सकते यू कांट सी द दलील्स यू कैन ओनली सी माई आईज आप सिर्फ मेरे आंखों को देख सकते हो राइट सो गाइज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आज की क्लास में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया और थोड़ा सा पैरल ड्रॉ करते करते आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा कि एक रेसिपी इज इक्वल टू अ जीन जैसे ऑल्टरनेटिव रेसिपीज होते हैं वैसे आपके ऑल्टरनेटिव होते हैं राइट सो दिस इज साउथ इंडियन पालक पनीर एंड दिस इज गुजराती कोड फॉर डिशेस, रेसिपीज डिश को कोड करते हैं और ये डिश है आपका कैरेक्टर कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को आप ट्रेट कहते हो राइट right? सो so, साउथ इंडियन पालक पनीर डिश एंड गुजराती पालक पनीर डिश दीज आर ट्रेट्स नाउ बिकॉज यू हैव टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेश्स नाउ वेर आर जीन्स लोडेड जीन्स आर लोडेड जैसे कि रेसिपीज आर लोडेड इन रेसिपी बुक्स ठीक वैसे ही Genes are loaded on chromosomes. Now you receive one set of chromosome from Papa. Manlije, my father was from Gujarat, so I have a Gujarati recipe book. And my mom was from Tamil Nadu, I have a Tamilian book. So one set from Papa and one set from Mom, right? One set me Papa se except one set Mom So I have. होमोलोगस आई हैव होमोलोगस क्रोमोजोम्स होमोलोगस क्रोमोजोम्स का मतलब क्या है बोथ मॉम एंड डैड मॉम और डैड दोनों के दोनों मुझे इन्फॉर्मेशन किस चीज का दे रहे पालक पनीर बनाने का बट डिफरेंस हो सकता है बट बिकॉज दे आर गिविंग मी द सेम डिश का इंफॉर्मेशन दे आर होमोलोगस क्रोमोजोम्स नाउ रिमेंबर होमोलोगस का सिर्फ इतना मतलब है दैट यू आर कोडिंग द सेम कैरेक्टर होमोलोगस ये नहीं बताता दैट वेदर डू यू है आप एक टर्म पढ़ते हो यू टॉक अबाउट अ टर्म लेट मी इरेज एवरी थिंग डेट आईव रिटर्न हियर हाँ सो यू हैव अ टर्म आप बोलते हो ओके वे डिड माई पेन डिस अच्छा सॉरी या सो so, आप बोलते हो दैट इमेजिन इफ माई फादर एंड मदर वर बोथ तमिलियंस अगर मेरे पापा और मॉम दोनों तमिलियन होते तो दोनों ने मुझे सेम रेसिपीज दी होती तमिलियन पालक पनीर की राइट सो वी कुड बी होमोजाइगस होमोजाइगस का मतलब यू हैव द सेम अलील्स आपके पास सेम अलील्स हैं हीटरोस का मतलब है यू हैव द डिफरेंट अलील यानी होमोजाइगस मीन्स यू हैव द सेम रेसिपीज एंड हीट्रोजाइगस मीन्स यू हैव द डिफरेंट रेसिपीज राइट अब बात आता है तो हमने कौन कौन से टर्म्स कवर कर लिए लिख देता हूं ठीक है हमने जीन कर लिया अलील कर लिया कैरेक्टर कर लिया रेट कर लिया और क्रोमोजोम कर लिया और होमोलोगस क्रोमोजोम कर लिया राइट हमने होमोजाइगस कर लिया हमने हिटरोजाइगस कर लिया राइट हमने हिटरोजाइगस कर लिया अब वॉट डज द टर्म डोमिनेंट एंड रिसेसिव मीन राइट आप हमेशा बात करते हो कोई चीज डोमिनेंट है कोई फिनोटाइप अच्छा जीनोटाइप और फीनोटाइप सॉरी मैं ये बोलना भूल गया था जीनो एंड फीनो ये टर्म्स का क्या मतलब है अब देखो समथिंग यू कैन ऑब्जर्व और मेजर फॉर आप पालक पनीर को देख के टेस्ट करके बता सकते हो दैट द टू पालक पनीर आर डिफरेंट हाउ आर दे डिफरेंट वॉट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट यू डोंट नो राइट तो ठीक उसी तरह द मेजरेबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर जिसको आप मेजर कर सकते हो चाहे देखकर करो बायो केमिकल एनालिस से करो या कैसे भी करो दैट इज अ बट एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन में डिफरेंस था यू डोंट नो सो जेनो का मतलब है कि मेरे पास कौन से लील हैं मेरे पास कौन सी रेसिपीज थी फिनोटाइप का मतलब है व्हाट इज दी ऑब्जर्वेबल फॉर्म है ना

एंड यू हैव अ ग्रीन शर्ट अब समाउ वाय यू डोंट नो बट समहाउ ग्रीन इज योअर फेवरेट कलर सम हाउ ग्रीन इज योर फेवरेट कलर तो अगर आपके पास रेड शर्ट और ग्रीन शर्ट है तो भी आप ग्रीन पहनोगे दो ग्रीन शर्ट है तो भी आप ग्रीन पहनोगे सो यू विल ऑलवेज वेयर ग्रीन आप तब तक ग्रीन पहनोगे जब तक आपके पास ग्रीन की एटलीस्ट एक कॉपी भी हो तो हम बोलेंगे दैट ग्रीन इज डोमिनेंट चॉइस फॉर यू बिल्कुल उसी तरह अगर रेड आईज और ब्लू आईज हैं सॉरी ब्लैक आईज और ब्लू आइज हैं सो अनलेस यू हैव बोथ द कॉपीज ऑफ ब्लू रेसिपी आप ब्लू आईज नहीं रखते इसका मतलब है कि ब्लू राइट recessive. Recessive right? तो जो ऐसा ट्रेट है जो आप सिंगल कॉपीज होते हुए भी अगर उसकी सिंगल कॉपी है तो भी आप वो पहनोगे डबल कॉपीज है तो भी आप वो पहनोगे तो दैट इज अ डोमिनेंट फीनोटाइप एंड दन इज रिसेप सो गाइज जस्ट टू गिव यू अ वेरी क्विक व्यू टूडे वी टॉक्ट अबाउट जीन अलील कैरेक्टर ट्रेट क्रोमोजोम Dominant, genotype, so, सारे terms जो कि आप में करते हो वो सारे हमने क्लियर कर लिए sure आपके मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि बात करते वक्त मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा था राइट सो गाइज इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना I am going to come up with more videos to explain Mendel laws in these easy ways. Okay? Now, this is where I sort of reduce myself in size and start telling you a little bit about various ways by which an academy can help you achieve your dreams. So, guys, this is a tracker of all my videos are in the schedule.

यू हैव टॉप क्लासेस यू हैव पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन घर बैठे बैठे पढ़ना कहीं आने जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होना वाला है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाले बैच था जो अभी जुलाई से अक्टूबर तक चल रहा है बट इससे भी एक्साइटिंग अभी एक नया बैच आया है सारथी सारथी में हम टर्म वन के सारे टॉपिक्स को सीबीएससी से लेकर एन तक जाएंगे एंड सबसे खास बात पता ही क्या है दिस इज द ओनली कोर्स जिसमें आपके सारे फाउंडेशन वाले टीचर्स हैं अजय सर रश्मी मैम सुरवी मैम दिव्यानीस इन दिस वन एंड ओनली वन बैच राइट सो डू चेक आउट दिस एंड रिमेंबर चौबीस तारीख तक यूवेजिंग ऑफर की आप आई आई टी जे नीट फाउंडेशन खरीद सकते हैं विथ अ वेरी वेरी अमेजिंग प्राइस अभी ऑफर्स के तहत यू कैन जस्ट बाइट एट फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑल्सो हाउ डू यू वॉन्ट हाउ टू सब्सक्राइब पहले कैटेगरी चूज करना है और फिर लंबा ड्यूरेशन चूज करना उससे क्या होता है कि आपका परमन प्राइस घटता है थर्ड इज वेरी सिंपल code द कोड सोनाइव कोड एड करते हैं टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट ठीक है अभी इस वीक में एक और ऑफर निकला है अगर आप नौ महीने लेते हो या बारह महीने प्लस लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट एड हो जाते हैं वर्दर टू हेल्प यू पीपलो ब्रॉडमी कम बैक जवाबैट तीन अक्टूबर को होगा जिसमें आप नाइन टेन के स्टूडेंट कैन गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप फर्स्ट टू थ्री रैंक होल्डर्स को कंप्लीट एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है फोर टू टेन्थ को सेवन परसेंट इलेवन टू फिफ्टीन को फिफ्टी परसेंट एंड सोन

स्पेशल सेशन जो पेरेंट्स राइट सो गाइज रिमेंबर यहां भी सेम तरीका है पहले कैटेगरी दूसरा ड्यूरेशन तीसरा कोड कोड डालते यू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट इंस्टेंटली इफ यू फाइंड समथिंग इन अप्रोप्रिएट लेट नो वीड बी है लिंक इज डाउन बिलो राइट अगर आपने अभी तक मेरे अन एकेडमिक प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो भी कर लेना बिकॉज तभी आपको मेरे स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता है right link niche special classes beta are packed with more features compared to youtube it has live poll options interactive it is uh, it has question tabs as well right so guys remember sona05 is the ultimate code use it for discounts and free classes download the app if you haven't already done that and if you have remember you can join us on telegram that is unacademy ntsc foundation and sona singh unacademy okay don't forget to like and subscribe follow us and press the bell icon to get all the updates that you people are waiting for thank you so much i'll be meeting you very soon